जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन का इंतजार कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, साथ ही यूपीपीएससी नया कैलेंडर, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड जीएस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू प्रकाशन की है, जिसमें आपको मिलेगा पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी एवं विगत वर्षों के प्रश्नों से संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश, साथ ही वर्ष 2019 के साल्व पेपर का समावेश। इसके अलावा 800 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न आप सभी को यहां पर देखने को मिलेंगे। और ये बुक यूपीपीएससी द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित है, जिससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, सारा कुछ इसी बुक से देखने को मिलेगा। तभी तो चच्चू प्रकाशन की बुक सर्वश्रेष्ठ बुक मानी जाती है। तो एक बेहतर तैयारी के लिए तुरंत परचेस करें। ये बुक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से मार्केट में अवेलेबल। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही चच्चू की सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती है, जिन्हें पढ़कर आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा फंसा हुआ मामला, जो कि एलटी ग्रेड 2018 का है और जिसका बड़ा संबंध है एलटी ग्रेड 2022 के नए विज्ञापन से। देखने को मिलेगा कि रिजल्ट के लिए संघर्ष किया गया, तो रिजल्ट निकाला गया, चयन भी हुआ, लेकिन अभी भी नियुक्ति यहां पर फंसी हुई है। और यहां पर कहा गया कि 15 विषयों में सामान्य वर्ग के 245 चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक यहां पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है, और इसके लिए ही यहां पर चयनितों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसके साथ चयनित अभ्यर्थी आयोग पर सत्याग्रह करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रतियोगी मोर्चा के संयोजक विकी खान का कहना है कि सरकार की ओर से हमेशा नए नए वादे किए जाते हैं और यहां पर जुमला दिया जाता है, लेकिन उस पर अमल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो यहां पर आयोग का फैसला कि पहले इस भर्ती को पूरी तरीके से कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद ही यहां से नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। हालांकि यहां पर यूपीपीएससी की तरफ से यह घोषणा भी की जा चुकी है कि जो यूपीपीएससी का नया कैलेंडर है ये आप सभी को 25 जनवरी तक देखने को मिल जाएगा, तो ये एक अच्छी खबर है। वही बात करें एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन 2022 की, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा आज के न्यूज पेपर के माध्यम से कहा गया है कि नई भर्तियों का बढ़ा इंतजार, साथ ही यहां पर एलटी ग्रेड 2018 सहित कई पुरानी भर्तियों का भी जिक्र किया गया है। और यहां पर अगर हम बात करें इन सभी नई भर्तियों के लिए, तो यहां पर कहा गया है कि जब तक पुरानी भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक यहां से नया विज्ञापन में समस्या है। इसके अलावा यहां पर चुनाव का भी एक बड़ा मुद्दा है कि चुनाव के चलते भी विज्ञापन में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन एक अच्छी खबर जरूर है कि जो आप सभी का नया विज्ञापन 1244 के आसपास पदों पर आना था, अब कहीं ना कहीं यहां से पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि शिक्षा निदेशालय की ओर से दोबारा से यहां पर नया अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जाना है। और यूपीपीएससी की तरफ से नए परीक्षा कैलेंडर की तिथि की भी घोषणा हो चुकी है कि 25 जनवरी तक हर हाल में आप सभी को नया परीक्षा कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, और आगे की जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।